हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत सुस्त दिन है, आज संडे है और सुबह लेट ही उठे तो ब्रेकफास्ट भी लेट किया। अभी कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो काफ़ी देर तक सोचा 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 क्या बनाऊँ। और अभी देखो टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, आफ्टरनून 3 o'clock हो गया है और हमने अभी तक लंच वंच कुछ नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ, विकी जी तो कहीं बाहर गए हैं काम से, तो मैं ही हूँ रूम पे अकेले, तो सोचूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना पास्ता बना लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है, और जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है तब तक हम सब्जी काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी काट ली है, मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। एक्चुअली देसी पास्ता बनने वाला है, कोई स्पेशल पास्ता नहीं बनने वाला है। तो मैंने यहाँ देखो, आप जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल थी, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, गाजर है और प्याज है, तो मैंने सब कुछ काट लिया इकट्ठा ही। एक्चुअली इसका एक और रीज़न भी है, मैं बहुत ही सुस्त पड़ी हुई हूँ आज, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि बहुत सारे बर्तन हो जाए मेरे पास धोने के लिए, तो इसलिए मैंने सारी की सारी सब्जी एक ही जगह काट दी इकट्ठे। और यहाँ पे मेरा पास्ता भी बॉईल हो गया, अब हम इसको बनाएंगे। सो यहाँ पे पास्ता भी रेडी है, एकदम अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो मैंने पानी से अलग कर दिया इसको और अब हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लगा दी है गैस पे। देखो मैं आप सबको पहले ही बता देती हूँ कि मैं कोई अच्छी कुक नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छे से बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि थोड़ा सा जो सब्ज़ी है वो अच्छे से कुक हो जाए, बाकी ज़्यादा ऑयल मुझे पसंद नहीं है, तो इसको हम इतना सा ही ऑयल डालेंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल है वो इसमें अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें जो सारी की सारी वेजिटेबल मैंने काट के रखी थी वो सारी इसमें डाल दूंगी, नमक आप डाल के डाल दूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी अजीनो मोटो, ये सब्जी को जल्दी जला देता है, मतलब जो सब्जी है वो जल्दी से पक जाएगी इसको डालने से। ये अजीनो मोटो मैंने डाला ना, इसे जल्दी पक जाती है सब्जी। अब थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे और हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ढक्कन लगाने से क्या होगा ना, ये जो हमारी वेजिटेबल है ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, क्रंची ही रहनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे और ढक्कन नहीं लगाएंगे इस पर। सो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल पक के रेडी हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता जो हमने बॉइल करके रखा था। और अब इसमें हमारी लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वो है ये है रेड चिली सॉस, तो हम इसको थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मुझे तीखा पसंद नहीं है। ये है ग्रीन चिली, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इससे, तो मैं सब मिक्स कर दूंगी। और ये है ड्राई डार्क सोया सॉस, सॉरी ड्राई नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ही दिख गया ये। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा इसमें डालेंगे हम, सॉरी कैमरा उधर चला गया था। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा रेड सॉस, मुझे सैंडविच स्प्रेड भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, मेयोनीज, तो मैं वो भी 1 स्पून डाल रही हूँ। ये 1 स्पून मैंने इसमें मेयोनीज भी डाल दिया है मैंने। अब आप ये मत सोचना कि मैं क्या बना रही हूँ, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बन रहा है देसी पास्ता। देसी पास्ता इज रेडी नाउ, और अब हम इसको सर्व कर लेंगे और फिर मज़ा लेंगे पास्ता का।
वाओ। सो ये देखो मेरा गर्मा गर्म पास्ता हो गया है रेडी, और ये कुछ मैगी जैसी लुक दे रहा है। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। देखो 2 मिनट में, एड में बताते 2 मिनट में मैगी बन जाती है, और लेकिन वो बनती नहीं है। तो मैंने तो 3-4 मिनट में पास्ता भी बना दिया, तो उस हिसाब से अच्छा ही है, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मुझे भूख भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, तो मतलब अच्छा ही बना होगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को पास्ता बनाना आता है और आप अच्छा पास्ता बनाते हो, तो आप मेरे साथ जो रेसिपी है वो शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम मैं उस तरह से बना के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी हम हैं देसी बंदे, तो हमें तो देसी बनाना आता है और देसी टेस्ट पसंद आता है। तो ओके देन, बाय बाय। ये बस ऐसे ही आपके साथ शेयर कर लिया। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।